गाइज, हैप्पी न्यू ईयर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल. नाउ आई एम इन तेहरी लेक एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो ऑफ 2022. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ तेहरी लेक बोट पॉइंट एंड टू व्हीलर पार्किंग चार्ज इज 20 रुपीज ओनली. आफ्टर टेकिंग द पार्किंग स्लिप वी डिडंट पार्क आवर बाइक. वी ड्रोव ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर टिल द रोड एंड्स ऑन द बैंक ऑफ लेक. दैट प्लेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड लेस क्राउडेड. आई क्लिक्ड सम amazing pictures there. You can check it out in my Instagram. My Instagram ID is in the description box. यहाँ पे है पार्किंग और वहाँ से बोटिंग होती है, तो उसी तरफ हम जा रहे हैं. टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं टिकट का क्या सीन है. तो चलते हैं. तो ये भैया हमें टिकट करा रहे हैं. हमें मिनी स्पीड बोट करना है आधे घंटे के लिए. इसका रेट पड़ेगा 2500 रुपीज़. तो चलते हैं. हमने टिकट कर ली है मिनी स्पीड बोट के लिए. 2500 रुपीज़ लगेगा आधे घंटे के लिए. वहाँ पे जहाँ पे फ्लोटिंग हार्ट्स हैं वहाँ तक भी लेके जाएंगे. जहाँ पे रुकने के लिए हम बोलेंगे वहाँ पे भी रुकेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है. तो यहाँ पे हम पहले लाइव जैकेट पहनेंगे, उसके बाद स्पीड बोट के लिए जाएंगे. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul, it'll break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're hanging on the better days. So we'll come up again from inside.
जेट स्कीइंग करने जा रहे हैं। अभी जेट स्कीइंग करके भी आ चुके हैं। जेट स्कीइंग का रेट है 1.5 चक्कर का 250 रुपये। वो कोई गाइड है वो आपको चला के लेके जाएगा, और अगर आप खुद से चलाना चाहते हो, गाइड बैठा रहेगा पीछे, तो उसका रेट है 500 रुपीज़। यहाँ पे बहुत वैरायटी के वाटर स्पोर्ट्स है। आप तेहरी लेक का जब भी प्लान करें तो टाइम लेके आना और सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स को इंजॉय करना। अगर मुझे रिव्यू करना है कि कौन सा वाटर स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा लगा, तो ऑब्वियसली जो मिनी स्पीड बोट है वो बहुत अच्छा है, और हमने आधा घंटा वाला चूज़ किया था, तो हमें एकदम फ्लोटिंग हार्ट्स तक लेके गए, और वो बहुत खूबसूरत है। पानी के ऊपर से जाना और स्पीड बोट पे जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। थोड़ा कॉस्टली है, तो अगर आपका बजट परमिट करे तो आप आधा घंटा वाला ही चूज़ करना, वरना यू कैन चूज़ 10 मिनट्स वाला। 10 मिनट्स का प्राइस है 1000, 15 मिनट का 1500 रुपये, और 20 मिनट वाला जो है वो 2000 रुपीज़, और हमने चूज़ किया था आधा घंटे का, दैट इज़ 2500 रुपीज़। और इसके बाद जो हमने जेट स्कीइंग किया वो अच्छा था, पर वो उतना अच्छा नहीं लगता कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, बस देर चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो I will suggest you to try mini speedboat. Tehri Dam is India's longest dam, and Tehri Lake is Tehri Dam's water reservoir. Although Tehri Lake is a artificial lake, पर इस पे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो आजकल बहुत फेमस है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, तो जहाँ पे रह के आप ये सारे वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हो। तेहरी लेक बोटिंग स्पॉट ऋषिकेश से 86 किलोमीटर दूर है, और आप चंबा होके इजीली यहाँ पे आ सकते हो। ऋषिकेश से सीधा चंबा तक आपको NA-34 पकड़ना है, और चंबा से सीधा रास्ता यहाँ तक आता है। आप रास्ते के पास साइन बोर्ड देख के भी इजीली रास्ता आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से रास्ते से जाना है। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। हम तो एक दिन के टूर के लिए आए थे कि हम ऋषिकेश से सुबह चले और यहाँ पे बोटिंग की, और आज ही ऋषिकेश लौट के जाना है। बोटिंग पॉइंट के बाहर बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी है, वेयर यू कैन एंजॉय योर फूड। नाउ वी आर गोइंग फॉर तेहरी डैम व्यू पॉइंट, जहाँ से तेहरी डैम का बहुत अच्छा एरियल व्यू आता है। मेरे पीछे वो जो डैम आप देख रहे हो, दैट इज़ तेहरी डैम, इंडिया का टॉलेस्ट डैम। वहाँ पे जाना मना है,
अगर आप कोई वैलिड रीज़न नहीं दिखा सकते कि आप क्यों जा रहे हो, बस घूमने हो, वहाँ पे आपको नहीं जाने देंगे। हमने ट्राई किया था जाने को, पर सिक्योरिटी ने हमें रोक ली और उन्होंने हमको बोला कि अगर आपको घूमना है तो ऊपर वाले रास्ते से जाओ, वहाँ से व्यू भी अच्छा आएगा और आप देख भी सकते हो। यहाँ पे बस विजिटिंग के लिए घूमने आना मना है। टेहरी डैम व्यू पॉइंट तक हम गए थे, वहाँ पे फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड फॉर सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स, तो हमने कोई फ़ोटो और वीडियो नहीं ली। बट जगह बहुत सुंदर है और डैम भी देखने में बहुत सुंदर है, पर देश की सिक्योरिटी के लिए इतना तो करना चाहिए। मेरे पीछे आप लेक ही देख सकते हो, ये लेक बहुत बड़ा है, तो आप कई कई किलोमीटर तक चलते रहेंगे और ये लेक आपको दिखती रहेगी साथ में। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा व्यू एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर ऋषिकेश की तरफ चलेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टाटा, टेक केयर एंड स्टे सेफ।